सोनाली बिल्डर्स गुना, हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य उचित दामों में किया जाता है। हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य मात्र 1250 से शुरुआत, प्रीमियम कंस्ट्रक्शंस फिनिशिंग के साथ। अभी बुकिंग पर 3D एलिवेशन एवं संबंधित सारे नक्शे बिल्कुल। इंटीरियर एवं वास्तु क्रय हेतु एक्सपर्ट्स टीम, सभी बैंकों द्वारा होम लोन हेतु संपूर्ण सुविधा मुक्त। हनुमान कॉलोनी गुना मध्य प्रदेश। मैनेजिंग डायरेक्टर तरुण कुमार जैन 9839-9893057151। इंजीनियर विकास झा 8770089448। भीषण सड़क हादसे में 2 महिला सहित 4 की मौत। बाईपास पर कार के ऊपर ट्रक पलटने से हुआ हादसा। मृतकों में पति पत्नी और बेटे सहित जेठानी शामिल, 2 घायल हुए। गुना में आज मंगलवार सुबह गुना बाईपास पर यूपी ढाबे के सामने घटित हुए एक भीषण सड़क हादसे में कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति पत्नी और बेटे सहित 1 अन्य महिला शामिल है। वहीं 2 लोग घायल हैं जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसा रद्दी से भरे ट्रक के कार के ऊपर पलटने से हुआ। भयावह हादसे में 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 लोगों की अस्पताल पहुंचने के बाद मौत हो गई। घटना सुबह करीब 7 से 8 के बीच की है बताई जा रही है। हादसे के सूचना पर पुलिस अधीक्षक विजय कुमार खत्री भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार राजगढ़ जिले के सारंगपुर तारागंज के परिवार तड़के करीब 4 बजे सारंगपुर से कार द्वारा भिंड जिले के लहार जाने के लिए निकला था। परिवार को लहार में गृह प्रवेश के कार्यक्रम में शामिल होना था। बताया गया है कि सुबह करीब 7 बजे के आसपास गुना बाईपास रोड से निकलते समय परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया। बाईपास ढाबे के सामने एक मशीन सामने आने से कार चालक ने कार को सड़क से नीचे उतार कर रोक लिया और जेसीबी मशीन के निकलने के बाद चालक ने कार को जैसे ही सड़क पर ली, पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। कार को टक्कर मार कर ट्रक कार के ऊपर ही पलट गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार उठ गई। घायलों को ट्रक के नीचे से जब तक निकाला जाता तब तक दो लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं अस्पताल पहुंचने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस और SP विजय कुमार खत्री भी मौके पर पहुंच गए। केरन की सहायता से कार के ऊपर पलटे ट्रक को हटाया गया। हादसे में पति पत्नी और बेटी की मौत। इस भयावह और दुखद हादसे में एक परिवार काल के गाल में समा गया। घटना में पति पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतकों में राम प्रकाश 44 वर्षीय, उनकी पत्नी गीता बाई 35 वर्षीय, बेटी रोशनी 15 वर्षीय और जय देवी 45 वर्षीय शामिल हैं। वहीं सुमित और राखी घायल है। कार सुमित चला रहा था। क्या नाम बताया? सुमित। पिताजी का नाम? हरिदास ठाकुर। अच्छा, कहाँ रहते हो? सारंगपुर। तारागंज। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे लाहार सारंगपुर। फिर तो कोहरे की वजह से एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, ट्रक से जी। तुम कहाँ जा रहे थे? तुम कौन सी गाड़ी जा रहे थे? आल्टो से। आल्टो से। अच्छा, चाची हैं, मेरी मम्मी हैं, चाची की एक छोटी सी लड़की है। अच्छा, क्या नाम था इनका? जी भाई का क्या नाम है? राखी। और राम प्रकाश चाचा हाँ। का नाम है हाँ। चाची का नाम गीता हाँ। एक छोटी लड़की थी हमारे साथ जिसका हाँ। नाम राशी है हाँ। मेरा नाम सुमित है। अच्छा जी, सुबह की घटना बता रहे हैं, 7:30-8 बजे करीब की घटना है। दोनों एक ही दिशा में जा रहे थे, ट्रक भी और आल्टो भी। तो सर पेटिंग के दौरान ये हादसा हुआ है। ट्रक डिसबैलेंस होकर कार के ऊपर नीचे वाला ऐसा उसका गिर गया जिससे वो कार के बैठे नीचे इसमें से 6 लोग बैठे थे, 3 महिलाएँ, 2 महिलाएँ, 2 बच्चियाँ और 2 पुरुष थे। एक पुरुष और 2 महिलाओं की डेथ हो गई है। तो मिला के 4 प्लेट हो गई, 2 अभी क्रिटिकल हैं, उनको अस्पताल पहुँचा दिया गया। सर किस कारण एक्सीडेंट हुआ है, कुछ कारण पता? ओवरटेकिंग करते वक्त अचानक से ट्रक डिसबैलेंस हो गया, या तो ब्रेक लगाया उसने या कोहरा भी था उसमें और वो एकदम से डिसबैलेंस होकर के दूसरा ऐसा उसका कार के ऊपर गिर गया। गुना पुलिस की नशे के विरुद्ध कार्यवाही। चांचूड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम मुहासा खुर्द में लहरा रहे थे गांजे के पौधे। पुलिस द्वारा दबिश देकर 60 किलोग्राम वजनी 4.20 लाख कीमत के गांजे के पौधे किए गए जब्त। पुलिस अधीक्षक गुना विजय कुमार खत्री द्वारा जिले के विभिन्न नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त नशा माफियाओं पर सख्त से सख्त कार्यवाही के निरंतर निर्देश दिए जा रहे हैं। निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुना मान सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में जिले में पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध आए दिन कार्यवाहियां कर नशा माफियाओं को नेस्तनाबूद किया जा रहा है।
जिला इसी सिलसिले में एसडीओपी चांचोड़ा दिव्या सिंह राजावत के नेतृत्व में जिले के चांचोड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक संजीत सिंह माबई एवं उनकी टीम द्वारा गत दिनांक 25 दिसंबर 2023 को अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया था, जिसमें थाना क्षेत्र के ग्राम मुहासा खुर्द में एक खेत पर बनी टपरिया के पास लगे गांजे के कुल 7 हरे पौधे जब्त किए गए हैं। जब्त गांजे के पौधों का वजन 60 किलोग्राम होकर जिनकी अनुमानित कीमत 4.5 लाख रुपए आंकी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत दिनांक 25 दिसंबर 2023 की शाम को जिले के चांचोड़ा थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के ग्राम मुहासा खुर्द में राधेश्याम भील द्वारा अपने खेत पर बनी टपरिया के पास गांजे के पौधे लगा रखे हैं। थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ गांजे की खेती की सूचना के मिलते ही चांचोड़ा थाने से तत्काल पुलिस की एक टीम कार्यवाही हेतु ग्राम मुहासा खुर्द के लिए रवाना की गई है। टीम द्वारा ग्राम मुहासा खुर्द में मुखबिर के बताए खेत पर जाकर देखा तो खेत पर बनी टपरिया के पास गांजे के कुछ हरे पौधे लहराते हुए मिले एवं टपरिया का मालिक राधेश्याम भील पुलिस को दूर से ही देख कर वहां से भाग गया। मौके से पुलिस फोर्स द्वारा गांजे के सभी पौधों को उखाड़ कर जिनकी गिनती व वजन करने पर पौधों की कुल संख्या 7 और वजन 60 किलोग्राम पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीबन 4.5 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस द्वारा करीबन बरामद गांजे के पौधों को विधिवत जब्त कर फरार आरोपी राधेश्याम पुत्र मांगीलाल भील निवासी ग्राम हांसा खुर्द के विरुद्ध चांचोड़ा थाने में अपराध क्रमांक 615/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध इस उल्लेखनीय कार्यवाही को अंजाम देने में चांचोड़ा थाने से थाना प्रभारी निरीक्षक संजीत सिंह माबई, उप निरीक्षक रोड सिंह भिलाला, आरक्षक बल्लभ चौहान, आरक्षक कुलदीप गुर्जर, आरक्षक गौरी शंकर सांसी एवं आरक्षक धर्मेंद्र चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गढ़ा गांव में दिनदहाड़े दोस्त ने किया दोस्त पर चाकू से हमला, पेट और सर में मारे चाकू। गुना जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र के गढ़ा गांव में दिनदहाड़े एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। हमले में युवक पेट और सर में चाकू लगने से गंभीर घायल हुआ, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल में परिजनों ने बताया चाकू के हमले में घायल का नाम दीपू कुशवाहा उम्र 23 साल निवासी गढ़ा है। 26 दिसंबर मंगलवार को दोपहर के समय गांव के ही ब्रजेश साहू ने दीपक कुशवाहा पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें दो चाकू पेट में मारे, एक चाकू सर में मारा, जिससे दीपक कुशवाहा गंभीर घायल हो गया। मामले की शिकायत धरनावदा थाने में दर्ज कराई गई है। क्या नाम है? आ रहे थे? क्या हुआ ये? कौन? ब्रजेश साहू। किस बात को लेके? बेमतलब में दारू पिला के जो कौन कौन थे साथ में? अकेले थे? अरे थोड़ो वहाँ बैठे थे, पहले दुकान पे बैठे थे। कौन की दुकान पे? कल नाम होगा वो सारी दुकान बैठी थी, उसने कहा था कि एक काम पे रिलैक्स हो गया तो मैं जाएगा, हाँ तू मैं छोड़ चलोगा? मैं कि चलो ठीक है मैं छोड़ूँगा, वरना चक्की मारता यार। बेमतलब कुछ विवाद हुआ क्या? ऐसे ही कुछ नहीं है वहाँ, बेमतलब नहीं। क्या नाम है आपका? अजय कुशवाहा। अजय कुशवाहा, आ रहे थे? कहाँ रहते हो? कौन है आपके ये भाई? क्या नाम है? दीपू। क्या घटना हुई उनके साथ? वो जो ब्रजेश साहू बुला के लेगा तुम्हारे। कितने बजे? लगभग 9:30। कहाँ से? जो चंदू भाई साहब यहाँ से कितने लोग थे। फिर क्या हुआ? फिर मालूम नहीं जो क्या हुआ, घंटा के बाद घर पहुँचो, फिर घर से आए हो तो यह घटना हुई। क्या हुआ घटना, क्या हुई? वो तीन जगह चाकू मार दिए भाई। कहाँ कहाँ पे? दो जगह पेट में, दो जगह सर में। तो वो पकड़ा हुआ आरोपी? अभी नहीं। शिकायत की इसकी? और अभी हालत कैसी है? अबे डॉक्टर बोले घाव कह रहा है, नहीं कर रही है। कहाँ
लॉ छात्रों ने की परीक्षा शुल्क जमा करने की तारीख बढ़ाने की मांग। विधि कॉलेज के छात्र छात्राओं ने परीक्षा शुल्क जमा करने की निश्चित तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है। इस संबंध में आज छात्रों ने कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों ने अपने ज्ञापन में बताया है कि विधि कॉलेज गुना की ओर से सेमेस्टर 1, 3 और 5 की परीक्षा फॉर्म को एक दिन पहले ही अप्रूव किया गया था, जिससे छात्रों को पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। वहीं छात्रों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते वह समय पर परीक्षा शुल्क एकत्रित नहीं कर पाए। समय कम मिलने के कारण छात्रों को अतिरिक्त शुल्क के रूप में 300 रुपये का भार पड़ रहा है, जिसे देखते हुए छात्रों ने परीक्षा शुल्क जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग कॉलेज प्रबंधन से की है। इस मौके पर छात्रों के साथ DSO के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जी बताएं, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया? आज लो कॉलेज गुना स्टूडेंट की ओर से यहाँ परीक्षा शुल्क में जो डेट एक्सटेंडेड करने की मांग को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। अभी एक दिन पहले ही डेट को अप्रूव किया गया था फॉर्म को, लेकिन उससे पहले 2-3 छुट्टी होने के कारण 300 रुपये विलम्ब शुल्क यहाँ पर छात्रों को देना पड़ रहा था, तो इसको लेकर के यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि डेट को आगे बढ़ाया जाए, साथ में कोई भी नियम बनाए तो जनता के हित में वो बनाना चाहिए। जैसे आप लोग स्कॉलरशिप के मामले में तो लेट हो जाते हैं, है ना, तो आप पे कितना चार्ज लगना चाहिए? जब आप फॉर्म अप्रूव करने की, फीस भरने की जब बात आ रही है, तो आप लोग छात्रों से एक दिन लेट होने पर 300 और 500 रुपए आप लोग ले रहे हो, तो आप पे कितना चार्ज होना चाहिए? तो इस सब चीज़ों को लेकर के आज यहाँ पर गुना PG कॉलेज में ज्ञापन दिया गया है सर को, और सर ने भी आश्वासन दिया है कि आगे शाम तक डेट बढ़ जाएगी। समस्त PG कॉलेज छात्रों के नाम राजेश। धर्म और संस्कृति की रक्षा में कोई समझौता ना करे भार्गव। हम नमन करते हैं उन साहिबजादों को जिन्होंने देश और धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च उत्कृष्ट अपने प्राणों की आहुति दी, किंतु हम अपना निजी धर्म नहीं बदला। उनके निडर साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के स्वाभिमान और बलिदान से हमें अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा की प्रेरणा हमेशा मिलती रहेगी। हम भी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कोई भी समझौता ना करें। उक्त उद्गार राष्ट्रीय वीर बाल दिवस पर शासकीय माध्यमिक विद्यालय पुरानी छावरी गुना में मुख्य वक्ता के रूप में अनिल भार्गव ने व्यक्त किए। कार्यक्रम का प्रारंभ अध्यक्षता कर रहे सुरेंद्र सिंह चौहान तथा मुख्य अतिथि रामकृष्ण शर्मा सचिन शर्मा द्वारा मां सरस्वती एवं भारत माता के पूजन से किया गया। अतिथियों सुरेंद्र सिंह चौहान तथा रामकृष्ण शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए मुगल काल में सनातन संस्कृति पर किए गए हमले, उनकी कुर्ता और विदेशी आक्रांताओं द्वारा भारत के मान बिंदुओं को नष्ट करने की जानकारी देते हुए छात्रों को भी विषम परिस्थितियों में साहस और धैर्य बनाए रखने का आह्वान किया। मुख्य वक्ता अनिल भार्गव ने 1704 में सिख समाज के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी और माता गुजरी देवी के परिवार के शौर्य पराक्रम और त्याग की जानकारी देते हुए 1704 में हुए चमकौर और सरहिंद के युद्ध की विभीषिका को भी बताया। अंत में कार्यक्रम का आभार लक्ष्मीकांत शर्मा ने तथा सभा का संचालन मोनिका रघुवंशी ने किया। इस अवसर पर अतुल माथुर आदि कई लोग मौजूद रहे। माध्यमिक विद्यालय पुरानी छावनी गुना में एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें वक्ताओं द्वारा सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह द्वारा धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए त्याग का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी इस त्याग और समर्पण से हमारे छात्र भी प्रेरणा लें तथा अपने जीवन में धर्म और संस्कृति के लिए कोई समझौता न करें, ऐसा आह्वान भी छात्रों से वक्ताओं द्वारा श्री सुरेंद्र सिंह चौहान रामकृष्ण जी शर्मा द्वारा किया गया। मैं अनिल भार्गव, प्रधान अध्यापक माध्यमिक विद्यालय पुरानी छावनी। निजी स्कूल पर कार्यवाही नहीं होने से विद्यार्थी परिषद नाराज, DEO कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। गुना में विगत दिनों शहर के एक प्राइवेट स्कूल में आयोजित इर्द के कार्यक्रम में छात्राओं को हिजाब पहनाकर प्रेयर आदि कराए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले के सामने आने के बाद प्रिंस ग्लोबल स्कूल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रदर्शन करते हुए संबंधित स्कूल संचालक और स्टाफ पर कार्यवाही की मांग की गई थी तथा समय प्रदर्शन को देखते हुए स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग ने विद्यार्थी परिषद को उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था, लेकिन विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि काफी समय बीत जाने के बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं घटना के बाद स्टाफ के जिन लोगों को हटाया गया था
स्कूल प्रबंधन ने उन्हें भी वापस रख लिया है। आज इस मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए जीईओ को ज्ञापन सौंप कर प्रिंस ग्लोबल स्कूल पर कार्यवाही करने की मांग की है। विद्यार्थी परिषद ने कहा कि हमारे आंदोलन और प्रदर्शन के बाद विभाग ने जाँच बिठाई थी, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। विद्यार्थी परिषद ने कहा कि शिक्षा विभाग जल्द कार्यवाही नहीं करता है तो विद्यार्थी परिषद सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करेगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी बताओ भैया, क्या किस मामले को लेकर ज्ञापन दिया है? विगत दिनों पूर्व नगर के प्रिंसिपल ग्लोबल नामक स्कूल में एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें ईद के मौके पर हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाकर कव्वाली जैसे कार्यक्रम कराए गए थे, जिसमें विद्यार्थी परिषद ने निंदा करते हुए उग्र आंदोलन किया था एवं विद्यार्थी परिषद की मांग पर प्रिंसिपल व स्टाफ को तुरंत निलंबित कर दिया गया था। परंतु विद्यार्थी परिषद के संज्ञान में यह मामला दोबारा आया है कि आंदोलन के एक माह बाद ही प्रिंसिपल को व स्टाफ को दोबारा से नियुक्त कर दिया गया है। इसको लेकर इसका विरोध जताते हुए विद्यार्थी परिषद ने आज डीओ का घेराव कर डीओ को स्कूल की मान्यता रद्द करने हेतु ज्ञापन दिया है। अगर तीन दिवस के समय हमने दिया है, अगर इसके उपरांत भी उनकी जांच नहीं आती है तो विद्यार्थी परिषद सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी डीओ और प्रशासन की रही। सत्यवाद अभी आपने बात की तो क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर अंदर कठोर कार्रवाई की जाएगी और जांच दी जाएगी। उन्होंने हमें लिखित में ऐसा आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? शिवराज चंदेल, नगर मंत्री विद्यार्थी परिषद गुना। गौवंश की दुर्दशा पगारा, गौशाला में 5 गायों की मौत। जिले भर में गौवंश की दुर्दशा सुधरने का नाम नहीं ले रही है। जिला मुख्यालय के निकट ग्राम पगारा में तेज ठंड और लापरवाही के चलते आधा दर्जन के करीब गायों की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर सोमवार को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के अलावा ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन यहाँ सरपंच सचिव से लेकर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति मौके पर नहीं मिला। वेब कार्यकर्ताओं की सूचना पर मौके पर नायब तहसीलदार के अलावा पशु चिकित्सालय की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद गौवंश के शवों का पीएम कराकर उन्हें जमीन में ही गाड़ा गया। विहिप के राजेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि पगारा सहित जिले भर में गौशालाओं की व्यवस्था बेहद खराब है। गत दिवस अव्यवस्थाओं के चलते पगारा स्थित गौशाला में 5 गौमाताओं ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद सोमवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पगारा स्थित राधा कृष्ण गौशाला पहुंचकर निरीक्षण किया। यहां 5 गाय मृत मिली। यहां खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। मौके पर सरपंच एवं सचिव को बुलाया गया तो वह नहीं आए। यहां लगभग 4 घंटे तक हंगामा चलता रहा, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया। बाद में मौके पर नायब तहसीलदार एवं पशु चिकित्सक की टीम पहुंची। इस दौरान तमाम लोग उपस्थित रहे। पंद्रह रोगियों को मिलेगा नेत्र ज्योति। स्थानीय बूढ़े बालाजी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज आयोजित निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं उपचार शिविर के दौरान चिन्हित 15 रोगियों को नेत्र ज्योति मिलेगी, जिन्हें की निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए स्थानीय लॉयंस नेत्र चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। केंद्र पर आज सुबह निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं उपचार शिविर का शुभारंभ क्षेत्रीय पार्षद लालाराम लोधा डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी द्वारा भगवान धन्वंतरी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके बाद लॉयंस नेत्र चिकित्सालय के आदित्य चौधरी व ऋषि भार्गव की टीम द्वारा 60 से अधिक रोगियों के नेत्रों का परीक्षण कर उपचार की सलाह दी गई। इस दौरान 15 रोगियों को चिन्हित कर लॉयंस नेत्र चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहाँ इन सभी के निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन नेत्र विशेषज्ञों द्वारा किए जाएंगे। वहीं शेष रोगियों को उपचार सलाह के साथ ही निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया गया। इस दौरान डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी द्वारा 150 रोगियों के स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार शुरू किया गया। इनमें से 40 रोगियों के ब्लड प्रेशर की जांच की गई, वहीं 40 रोगियों की डायबिटीज़ की जांच की गई। शिविर में सभी स्टाफ सदस्यों ने रोगियों के परीक्षण में सहयोग किया है। अभिभाषक संघ गुना द्वारा 3 दिन से चल रहे सीएल मेमोरियल स्कूल ग्राउंड में आयोजित एपीएल 2023 सीजन 4 का आज फाइनल मुकाबला एचयूएल के 11 वी एंड एस
के एंड डी के मध्य खेला गया, जिसमें एचयूएल के 11 द्वारा 10 ओवर में 140 रन की शानदार पारी खेली एवं के एंड डी मात्र 95 रनों पर सिमट गई। 45 रनों से एचयूएल के 11 ने जीत दर्ज कर ली एवं के एंड डी उपविजेता रही। मैन ऑफ द सीरीज कपिल शर्मा ने हासिल की। मुख्य अतिथि के रूप में जिला जज मुनेन्द्र वर्मा, अध्यक्षता हरी सिंह यादव, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशिष्ट अतिथि सतीश अरोरा, एडवोकेट प्रशांत मोड़का एवं 21,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार एडवोकेट वरुण सूद साहेब द्वारा, द्वितीय पुरस्कार 15,000 एडवोकेट भूप नारायण द्वारा विजेता उपविजेता टीमों को दी गई। क्रिकेट समिति के अथक प्रयास परिश्रम से क्रिकेट को बहुत ही शानदार सफल बनाया, जिसमें विशेष रूप से अभिभाषक संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह रघुवंशी, सचिव नेपाल यादव, हरी सिंह यादव, दिलीप राजपूत, प्रदीप सरवैया, धर्मेंद्र रघुवंशी, रविंद्र सिंह पवैया रहे सभी स्पॉन्सर्स का हृदय से धन्यवाद। आपने दिल खोल कर जो सहयोग किया एवं क्रिकेट टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए सभी अभिभाषकों का हृदय से धन्यवाद दिया। जिले में ठंड की दस्तक दे चुकी है गरीब बेसहारा जरूरतमंदों के लिए ये कठिन समय होता है, लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर इस धरती पर किसी ना किसी को निमित्त बनाकर जरूरतमंदों का ख्याल रखते हैं। वैसे तो गरीबों के लिए सभी मौसम दुखदाई होते हैं, लेकिन जाड़े का मौसम बहुत ही दुखदाई होता है। आपको बता दें कि जब ठंड अपने जोरों पर होती है और शरीर पर गर्म कपड़ा और रात में ओढ़ने को गर्म बिस्तर ना हो तो हाल और भी बुरा हो जाता है। ऐसे में सेवा ही धर्म के तहत मीनाक्षी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गुना के संचालक डॉक्टर दिनेश सिंह कुशवाहा की तरफ से गरीब बुजुर्ग असहाय व निधन लोगों की मदद के लिए कंबल वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि भीषण ठंड को देखते हुए कंबल वितरण निरंतर जारी रहेगा। कंबल वितरण होता देख लोगों ने कहा कि उन्होंने सर्दी से टूटे गरीब असहाय लोगों के चेहरे पर मुस्कान कर दी।